की सेना के उन तमाम जवानों को अपने यहां से प्रणाम निवेदित करता हूं जो कश्मीर में बाढ़ में लगे उन सैनिकों के बजाय उन बच्चों को, उन माओं को बचा रहे थे, उन योद्धाओं को बचा रहे थे, उन युवाओं को बचा रहे थे जो बावजूद उनके ऊपर पत्थर फेंक रहे थे। जो पढ़े लिखे लोगों, मेरी बात पहुंच जानी चाहिए थी अब तक आपके पास में। यह हिंदुस्तान का चरित्र था कि इस मुल्क की सेना जिन लोगों को पैकेट फेंक रही थी उन्हीं के हेलीकॉप्टरों पर वहां के लोग पत्थर फेंक रहे थे। मैं पहली बार हैरत में था फेसबुक पे, यहां बहुत पढ़ी लिखी युवा पीढ़ी बैठी है, यहां ये दोस्त काफी जागृत हैं। अच्छा होता ये सब लोग इतने जागृत होते जितने ये युवा दोस्त यहां पर जागृत बैठे थे। इस पूरे कवि सम्मेलन का पूरा माहौल बदला जा सकता है यदि हम थोड़ी देर के लिए जागृत हो जाएं। क्या बात है? मेरे एक बात को ध्यान से सुन लीजिए, मैं कविता से अच्छी है शायद सच्ची बात बोलने जा रहा हूं। मैं फेसबुक पर उस चित्र को देख करके 3 दिन तक सो नहीं पाया जब मैंने देखा हमारे कर्नल की कॉलर पकड़ रखी एक व्यक्ति ने, उसके कर्नल के हाथ में रोटी का पैकेट है और दूसरे व्यक्ति के हाथ में पत्थर है। मुझे लगा इस मुल्क में सेना पर जिस तरह से प्रहार किए जा रहे हैं और कश्मीर के लोगों की जो बदतमीजियां बढ़ती जा रही हैं, मुझे कहने का हक दीजिएगा इस मंच से पहली बार, हम कश्मीर के ऊपर एक प्रांत नहीं 3 प्रांत के बराबर खर्चा करते हैं और लेते एक फूटी कौड़ी भी नहीं। विनीत चौहान वीडियो रिकॉर्डिंग के सामने अपना बयान दर्ज करता है, अच्छा लगे मुझे हिम्मत दीजिएगा मैं इस बयान को लाल किले से पढ़ सकूं, मैं कोशिश करता हूं बोलने की। कश्मीर वो बेवफा होरत हो चला है, मेरे वाक्य को ढंग से सुन ले, अच्छा लगे यहां से लेकर वहां तक मुझे चंबल के बागी पानी के हाथ खड़े होते देखना चाहता हूं। कश्मीर वो बेवफा औरत हो चला है जो खाता हमसे है, पीता हमसे है, पहनता हमसे है और नैन मटक के पड़ोसी से करना चाहता है। मुझे पीछे तक तालियां चाहिए जो मैं कहना चाहता हूं। विनीत चौहान शुरू होना चाहता है, जिनके हाथों में पत्थर थे, मुझे नहीं पता मेरे बाद इस विषय पर बोला जाएगा कि नहीं बोला जाएगा, लेकिन मैं बगावत के कुछ भी खड़े, लोग कहते हैं विनीत चौहान वीर रस का कवि है, मैं कोई वीर रस का कवि नहीं हूं साहब, मैं एक भी बागी तैयार कर जाऊं तो आज का कवि सम्मेलन मैं अपने नाम समझ लूंगा। जिनके हाथों में पत्थर थे होठों ने गाली गाई है, मुझे अगली पंक्ति पर सूचना दे दीजिएगा कि चंबल के बागी लोग अब मुझे सुनने को तैयार हो चले हैं। अगली लाइन मैं शुरू कर रहा हूं, पहली लाइन सुन लीजिएगा। जिनके हाथों में पत्थर थे होठों ने गाली गाई है, उन एहसान फरामोशों की हमने जान बचाई है, उन एहसान फरामोशों की हमने जान बचाई है, उन एहसान फरामोशों की हमने जान बचाई है। रोटी के बदले पत्थर थे, समझदार लोग समझेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, रोटी के बदले पत्थर थे, ये कैसी परिपाटी है, जिसको फूलों वाली समझा वो चंबल की घाटी है, जिसको फूलों वाली समझा वो चंबल की घाटी है। अच्छा होता तुम सेना के जाकर 100 सजदे करते, हमको बड़ी उम्मीद थी उन लोगों से। मैं एक तो क्षमा चाहूंगा हमारे हास्यरस के लोगों से, हमारे यहां सेना के पुलिस के जवान खड़े हैं, मंचों से ज्यादातर हम लोग इनके ऊपर हास्य की कविताएं कहते हैं, क्षमा करें साहब, ये पुलिस के जवान हमने पाकिस्तान से नहीं बुलाए, ये हमारे और तुम्हारे घरों के किसानों के बेटे हैं जिन्हें हमने सेना या फौज में भर्ती कर दिया और यहां पर व्यवस्थाओं में लगा दिया है। मेरे एक और कड़वे सच को सुन लीजिएगा, न होली ही मनाते हैं न दिवाली मनाते हैं, आपने हास्य पर इनके बहुत तालियां बजाई हैं, मैं इनके स्वाभिमान पर इनके बलिदान पर 2 तालियां चाहता हूं आपकी। कितने लोग मिट्टी के बेटों को प्यार करते हैं मैं देखना चाहता हूं, इनकी एक विवशता भी है। न होली ही मनाते हैं न दिवाली मनाते हैं, ये अपने फर्ज को हर हाल में पूरा निभाते हैं, और एक सच गा दूं तो ये अब अपनी वर्दी में नहीं गाल पाएंगे, आप जरा इनके हौसले बुलंद कर देना ताकि हिंदुस्तान के 16 IPS इस समय जो जेल के सीखचों के पीछे बंद हैं वो अपनी वेदनाओं को एक बार तो भूल जाएं। हमने ईमानदार पुलिस ऑफिसरों को जेल के सीखचों के पीछे बंद कर दिया, मुझे दुख है दिनेश NM जैसा ईमानदार पुलिस ऑफिसर 7 साल जेल के सीखचों के पीछे रहा इस मुल्क में। हमने आतंकवादियों को बिरयानी और मुर्गे परोस दिए, ये स्टार लगे बोल नहीं पाए उनमें। जिनके मैं जो कहना चाहता हूं सुन लेना, होली ही मनाते हैं न दिवाली मनाते हैं, ये अपने फर्ज को हर हाल में पूरा निभाते हैं, और सिफारिश वो तो टेलीफोन पे गुंडों की करते हैं मगर ये फर्ज की कीमत लहू दे कर चुकाते हैं, मगर ये फर्ज की कीमत लहू दे कर चुकाते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि जिनके हाथों में पत्थर थे होठों ने गाली गाई है, उन एहसान फरामोशों की हमने जान बचाई है, और रोटी के बदले पत्थर हैं, ये कैसी परिपाटी है, जिसको फूलों वाली समझा वो चंबल की घाटी है। अच्छा होता हम सेना के जाकर 100 सजदे करते, मिटते सारे घाव पुरानी सब कड़वाहट भी मिटती,
और जो पंक्ति में कहना चाहता हूं समझना, पता नहीं कितने लोग समझेंगे। हम अब तक भूल नहीं पाए अशफाकुल्ला एहसानों को, समझदार लोगों की तालियां उठें, हम अब तक भूल नहीं पाए अशफाकुल्ला एहसानों को, हम दिल में दफन किए बैठे हैं बिस्मिल के अरमानों को, हम दिल में दफन किए बैठे हैं बिस्मिल के अरमानों को। आओ हम सब मिलकर बैठे, मैं एक ही बात चाहता हूं कश्मीर के लोगों से, आओ हम सब मिलकर बैठे, भूले अलगावी नारों को, घाटी में ऊंचे स्वर दे दें भारत मां के जयकारों को, घाटी में ऊंचे स्वर दे दें भारत मां के जयकारों को। ऐसी उम्मीदें बड़ी कम हैं। क्यों कम है, मेरी बात को समझ लेना, क्यों कम है। जहां के प्रांत का मुख्यमंत्री यह बयान देता हो कि मुझे अलग प्रांत नहीं चाहिए, मुझे अलग कंट्री के रूप में चाहिए कश्मीर, मुझे लगा इस मुल्क के राजनेताओं की बुद्धि जहां कह रही है। इस मुल्क में लोग कहते हैं कि हम पाकिस्तान से बातें करें, माफ करिए शाह साहब, पहले घर के गद्दारों की कीमत अदा कर दीजिए, पाकिस्तान से बाद में बात कर लीजिएगा। अंबर जी ने बहुत ठीक लिखा है, सांप जब तक आस्तीनों के न मारे जाएंगे, हौसला कितना भी हो हम जंग हारे जाएंगे, और दुश्मनों के संग तो हम फिर करेंगे फैसले, पहले घर के जाहिलों के सर उतारे जाएंगे, पहले घर के जाहिलों के सर उतारे जाएंगे। देखिएगा मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, समझदार लोगों मुझे आपसे शिकायत है, यदि आप लोगों की तालियां इतनी खामोश होंगी तो हमें मंच से कविता कहने में थोड़ा संकोच होगा। कोटा ये कवि सम्मेलन है जो मुल्क के इतिहास का बड़ा महत्वपूर्ण कवि सम्मेलन माना जाता है। मैं कविता शुरू कर रहा हूं कि अलग देश की मांग नहीं, ये देशद्रोह का नारा है। मैं कहना चाहता हूं फारूक साहब से, मुझे रखना चाहिए, राजस्थान मेरे साथ था, अलग देश की मांग नहीं ये देशद्रोह का नारा है, ठंडी झीलों से निकला जो जलता सा अंगारा है, उन बेटों से गद्दारी है जो पर्वत पर सोए हैं, ना इंसाफी है उस मां से जिसने बेटे खोए हैं। और फारूक जी तुमको भी इसका सचमुच ध्यान रहा होता, एक लाइन में यदि कोटा चुप रह गया तो मैं अपनी कविता यही खत्म कर दूंगा। अच्छा मैं कहना चाहता हूं फारूक जी तुमको भी इसका सचमुच ध्यान रहा होता, अगर तुम्हारा बेटा सीमा पर कुर्बान हुआ होता, अगर तुम्हारा बेटा सीमा पर, शुक्रिया, मुझे लगा अब मैं कोटा में खड़ा हूं, दुआएं आपकी, अगर तुम्हारा बेटा सीमा पर कुर्बान हुआ होता, तुम कहते हो कश्मीर के तुम ना जो सीएम होते, जाते पाकिस्तान वहां पर तुम उनके पीएम होते। फारूक जी अगर पाकिस्तान का, मुझे एक एक श्रोता का हाथ खड़े देखना चाहता हूं, फारूक जी अगर पाकिस्तान का कुछ इतिहास पढ़े होते, फांसी के तख्ते पर तुम भी भुट्टो संग चढ़े होते, फांसी के तख्ते पर तुम भी भुट्टो संग चढ़े होते, फांसी के तख्ते पर तुम भी भुट्टो संग चढ़े होते। ये तो हम हैं जो गद्दारों को कुर्सी दे देते हैं, मेरा इशारा समझना और मेरी कहने की हिम्मत को दाद देना, मैं कहां खड़ा हूं और क्या बोलने जा रहा हूं। ये तो हम हैं जो गद्दारों को कुर्सी दे देते हैं, आस्तीन के सब सांपों को छाती पर सह लेते हैं, कोई रण में जीती भूमि भी वापिस कर देता है, कोई सेना के लोहू से शाही को धो देता है, कोई मजहब के नारों से अलग देश बंटवाता है, कोई उग्रवादियों से जाकर हाथ मिलाता है, लेकिन ये तो हम लोगों की सब किस्मत में होना था। मैं कड़वा सच गा रहा हूं, मुल्क की राजनीति के सबसे बड़े व्यक्ति पर उंगली उठाने जा रहा हूं, यदि मेरे साथ हिंदुस्तान हो कि कश्मीर आज उन्हीं की देन है ये जड़, तो मेरा समर्थन कीजिएगा, लेकिन ये तो हम लोगों की सब किस्मत में होना था, नेहरू जी की कुछ भूलों पर जीवन भर को रोना था, नेहरू जी की कुछ भूलों पर जीवन भर को रोना था। अच्छा होता अगर पटेल कुछ लोगों को झटका देते, फिर सुनना जो मैं कहना चाहता हूं, अच्छा होता अगर पटेल कुछ लोगों को झटका देते, कुछ को आजादी मिलते ही फांसी पर लटका देते, कुछ को आजादी मिलते ही फांसी पर लटका देते, फिर ना कश्मीर का झंझट ना खूनी होली होती, ना बंदूकों के साये में मेहंदी और रोली होती, अगर कबूतर श्वेत नहीं हम गुरु के बाद छोड़ देते। शशिकांत ने इशारा किया है, गुरु गोविंद सिंह की परंपरा का एक व्यक्ति सामने बैठा है, मैंने सुना नहीं ऐसा उदाहरण हो किसी मां के चार बेटे हों और चारों के चारों देश की परंपरा में बलिदान हो जाते हों, दो बेटे चमकौर युद्ध में चल मर गए, दो बेटे सरहिंद की दीवार में चुना दिए गए, जब दोनों बेटे लौटे तो गुरु मां ने कहा, दोनों बेटे चकमौर के युद्ध से लौटे, मां प्यास लगी है, मां ने कहा शर्म नहीं आती रणक्षेत्र से लौटे हो, शत्रु के लहू से अपनी प्यास बुझाओ, दोनों बेटे शहीद हो गए वहीं पर। गुरु गोविंद सिंह के सामने देखा तो मां की आंखों में आंसू थे, मां ने कहा चार बेटे थे चारों तो बलिदान हो गए, गुरु गोविंद सिंह ने जो उत्तर दिया इतिहास में सोने के अक्षरों में दर्ज है, गुरु ने कहा देश धर्म के वास्ते वार दिए सुचार, चंबल के बेटो खामोश मत रहना, उससे बड़ी गुल परंपरा मैंने सुनी नहीं है बलिदान की, देश धर्म के वास्ते वार दिए सुचार, चार मरे तो क्या हुआ ये जीवित कई हजार, चार मरे तो क्या हुआ ये जीवित कई हजार। तब मैंने कहा अगर कभी इशारा समझना, इस हिंदुस्तान की भाषा बदल जानी चाहिए,
अचकन पर सफेद गुलाब लगाकर कबूतर उड़ाने के दिन चले गए हैं, अब दिल्ली की कुर्सी पर कोई और बैठा हुआ है। हमने सुना था हमारे बेटों के मस्तक सर कट के यहां चले आए और हम खामोश निगाहों से देखते रहे। पहली बार दिल्ली ने आदेश दिया यदि एक सैनिक का सर कट जाए तो दो सैनिकों के सर वापस ले आना सरहद से। हमने तो परंपराओं में जो तोकू कांटा बुए वाए बोए तू फूल फूल बोते रहे 68 साल तक। हिंदुस्तान की गद्दी ने पहली बार कहा जो तोकू कांटा बोए वाए बोए तू भाला, वो भी साला क्या जानेगा पड़ा किसी से पाला। हिंदुस्तान को जरूरत है इस समय। अगर कबूतर श्वेत नहीं, अब मेरा साथ देगा शायद चंबल, अगर कबूतर श्वेत नहीं हम गुरु के बाद छोड़ देते तो लाहौर कराची को हम दिल्ली तलक जोड़ देते, तो लाहौर कराची को हम दिल्ली तलक जोड़ देते। अब भी अटल इरादे लेकर भारत के लोगों जागो, शांति मंत्र की पूजा छोड़ो दुश्मन पर गोले दागो, शांति मंत्र की पूजा छोड़ो दुश्मन पर गोले दागो। लेकिन हुआ क्या है साहब, अभी वहां के एक बच्चे ने कश्मीर मांगा है। मैं इशारे में बात कर रहा हूं, समझ जाया करो, थोड़ा सा ज्यादा अनुवाद करना, कविता नहीं होती है। बच्चे का नाम बताया शशिकांत ने, बिलावल भुट्टो है, बिलबिला रहा है। उसके नाना ने कश्मीर मांगा था, वो अल्लाह ताला को प्यारे हो गए। उनकी मम्मी ने कश्मीर मांगा था, अल्लाह ताला को प्यारी हो गई। बच्चे ने मांगा है, ईश्वर उसकी लंबी उम्र दे मैं उम्मीद करता हूं। लगता है नादान पड़ोसी दोहराएगा पापों को। मैं ताजा कविता पढ़ रहा हूं क्योंकि कोटा से पूरे हिंदुस्तान में आवाज जाती है। 90,000 नपुंसक सैनिकों ने सशस्त्र होने के बावजूद जनरल अरोड़ा के पैरों में समर्पण कर दिया हो, ऐसी कायर फौज केवल पाकिस्तान के पास है। 90,000 सशस्त्र सैनिकों ने समर्पण किया। लगता है नादान पड़ोसी दोहराएगा पापों को, लगता है नादान पड़ोसी दोहराएगा पापों को। एक सबक सिखलाया था पहले भी उसके बापों को, एक सबक सिखलाया था। मुझे कुछ खामोशी लग रही है आपकी, मैं अंतिम कोशिश कर रहा हूं, पीछे वाले लोग थोड़े खामोश हैं, मैं अंतिम कोशिश कर रहा हूं। लगता है नादान पड़ोसी दोहराएगा पापों को, एक सबक सिखलाया था पहले भी उसके बापों को। इंच इंच कश्मीर भला भारत, यही भाषा थी उसकी, इंच इंच कश्मीर भला भारत से लड़कर ले लोगे, इस कश्मीर के चक्कर में लाहौर कराची दे दोगे, इस कश्मीर के चक्कर में लाहौर कराची दे दोगे, इस कश्मीर के चक्कर में लाहौर कराची दे दोगे। कश्मीर देश का मस्तक है, तिरछी इसकी पेशानी है। मैं मंच का ध्यान चाहूंगा, ये पंक्ति मंच समझे और इन्हें समझाए। एक रिश्ता रहा है उनका वहां की विदेश मंत्री से, बस इतना इशारा समझना, वो नाम गलती से इस कविता में आ रहा है, समझ जाए तो मुझे सूची, युवा दोस्त समझ जाएंगे, उनका काम है ये लोग समझ लेना। मैं समझना सुना, कश्मीर देश का मस्तक है, हो सकता है कल ही अखबारों की हेडलाइन हो, मैं पढ़ रहा हूं इस लाइन को। कश्मीर देश का मस्तक है, तिरछी इसकी पेशानी है। बिलावल साहब मैं आपसे कहना चाहता हूं, कश्मीर देश का मस्तक है, तिरछी इसकी पेशानी है, ये रणचंडी माँ दुर्गा है मत समझ हीना रब्बानी है, ये रणचंडी माँ दुर्गा है मत समझ हीना रब्बानी है, ये रणचंडी माँ दुर्गा है मत समझ हीना रब्बानी है। तुम ये समझ खून का रिश्ता है हर बार माफ कर देते हैं, ये सोच खून का रिश्ता है हर बार माफ कर देते हैं। तुम चचा जान के पोते हो ये सोच माफ कर देते हैं, तुम चचा जान के पोते हो इसलिए माफ कर देते हैं। वरना जिस दिन हम चाहेंगे, मुझे फिर आपका साथ चाहिए ताकि मैं कविता पढ़ सकूं, वरना जिस दिन हम चाहेंगे ये गर्व गुमान नहीं होगा, और सेना ने जिस दिन ठान लिया ये पाकिस्तान नहीं होगा, सेना ने जिस दिन ठान लिया ये पाकिस्तान नहीं होगा, सेना ने जिस दिन ठान लिया। हम मुल्क से क्या कहते, हमारे बेटों के सर कट के आए राजस्थान मरने से नहीं डरता, कैप्टन अजय आहूजा से पहला बलिदान शुरू हुआ था, अमित भारद्वाज से लेकर अभी ए के अक्षर खत्म नहीं हुए हैं, हमारे बेटों के सर अभी तक सरहदों पर खड़े हैं। लेकिन सर कटने के बजाय धोखे से काट दिए जाएं, ये बगावत नहीं है ये गद्दारी है। शीश देने की कला में क्या अजब है, क्या नया है, राजस्थान बोलना चाहता है। शीश देने की कला में क्या अजब है, क्या नया है, शीश कटने पर लड़े कबंध वीर की तभी रवानी है, प्राण ये हिंदुस्तानी है रक्त ये राजस्थानी है, ये तो हमने खून में सीख लिया। तीन बेटों के शव आए पटना एयरपोर्ट पे, सच्ची घटना बोल रहा हूं, वीडियो रिकॉर्डिंग में अपना बयान दर्ज कर रहा हूं, कल गलत हो मुझे टोक दें अखबार वाले, विनीत चौहान तुम गलत बयान देकर के गए थे। तीन बेटों के शव आए पटना के एयरपोर्ट के ऊपर तिरंगे में लिपट करके,
बिहार के कृषि मंत्री का बंगला वहां मुश्किल से 15-20 किलोमीटर, 1 किलोमीटर दूर है। लोगों ने कहा बेटे तिरंगे में लिपट कर आए हैं, उन्हें प्रणाम कर लो, श्रद्धांजलि कर लो। उस मंत्री ने जो बयान दिया मुझे बोलते हुए शर्म आएगी, आपको सुनकर शर्म आएगी। उसने कहा किस बात की श्रद्धांजलि, किस बात का प्रणाम? उन तीनों लड़कों को मरने की तनख्वाह दी जाती थी। मुझे लगा राजनीति के कनपटी पर थप्पड़ मारने का वक्त आ चला है। हो सकता है वो महोदय इस समय सो रहे हो अपने एसी कमरे के अंदर। मैं 2 लाइन तुफैल चतुर्वेदी की कोट कर रहा हूं और मैं जितने गुस्से से पढ़ रहा हूं उतने गुस्से में मैं चंबल का गुस्सा हथेलियों में देखना चाहता हूं। मैंने कहा तुफैल भाई की पंक्ति कोट करते हुए, सियासत का नशा सिमतों का जादू तोड़ देती है। मैं कहना चाहता हूं कि तकिए पर महसूस हो जाए आपकी थप्पड़ों की कंपन। सियासत का नशा सिमतों का जादू तोड़ देती है, हवा उड़ते हुए पंछी के बाजू तोड़ देती है। और सियासी भेड़ियों थोड़ी बहुत गैरत जरूरी थी, तवायफ तक किसी मौके पे घुंघरू तोड़ देती है, तवायफ तक किसी मौके पे घुंघरू तोड़ देती है। ऐसे ही नहीं आया आतंकवादी हमारे मुल्क के अंदर, कोई तो कारण रहा होगा। मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि 10 लड़के चलने पड़ोसी मुल्क से छोटी सी नाव में बैठ करके और जाकर के बंबई के ताज होटल पे हमले कर दें बिना इसके कि हमारे यहां का कोई गद्दार उनके साथ शामिल ना हुआ हो। यह बात मेरे गले नहीं उतरती है। कौन है ये लोग? प्रवाहित शांति नद में द्वेष का विष खोल देते हैं, मिले कंचन तुला ईमान तक को तोल देते हैं। और विदेशी ताकतें जब द्वार पर दस्तक लगाती हैं, यहीं के लोग उठकर सांकलों को खोल देते हैं। आतंकी कैसे घुस आए लाहौरी दरबारों से? पुलिस के जवानों को जब हमने जेल के सीखचों के सामने नौकरों की तरह खड़ा कर दिया कि खिलाओ इन्हें बिरयानी और मुर्गे, ये तो सरकारी मेहमान हैं। क्षमा करिएगा, मेरे 3 भाई दिल्ली पुलिस के अंदर भर्ती हैं। तीनों ने मुझे बताया, विनीत हम तुम्हें उन गालियों का जिक्र नहीं कर सकते जब हम इन्हें तिहाड़ जेल में बैठा करके ले जाते हैं। ये क्या गालियां हमें देते हैं? दुर्भाग्य ये है हमारे हाथ बांधे हुए हैं, हमने वर्दी के पैरों में सख्त बेड़ियां डाली हैं। ये लाइन हिंदुस्तान में केवल विनीत चौहान ने लिखी है। वाह वाह, हमने वर्दी के पैरों में सख्त बेड़ियां डाली हैं और भेड़ियों को दिल्ली ने खुली छूट दे डाली है, और भेड़ियों को दिल्ली ने। ऐसे काम नहीं चलेगा। मैंने इतनी कम तालियों में कोटा में कभी कविताएं नहीं पढ़ी हैं। मुझे कम तालियों का मतलब, हां अब मुझे लगा मैं ठीक हूं। हमने वर्दी के पैरों में सख्त बेड़ियां डाली, मैं सेना और पुलिस के जवानों के हक में बोल रहा हूं, समझ लेना मैं हिंदुस्तान के हक में बोल रहा हूं। हमने वर्दी के पैरों में सख्त बेड़ियां डाली हैं और भेड़ियों को दिल्ली ने खुली छूट दे डाली है। सब मानव अधिकार कातिलों के हित में तन जाते हैं, इसीलिए तो रोज भेड़िए छाती पर तन जाते हैं, इसीलिए तो रोज भेड़िए छाती पर तन जाते हैं। जिस दिन गोली का उत्तर एक ही इलाज हिंदुस्तान के पास, जिस दिन गोली का उत्तर हम गोली से दे पाएंगे, उस दिन आतंकी क्या इनके बाप ठीक हो जाएंगे, उस दिन आतंकी क्या इनके बाप ठीक हो जाएंगे। हमने आतंकी पाले, जेलों में परसी बिरयानी। एक कसाब के ऊपर ये मुल्क 65 करोड़ रुपए खर्च करता है, मुल्क का सबसे महंगा वकील उसे उपलब्ध कराता है। ये कौन सा तरीका था हिंदुस्तान का? कभी अमेरिका ने पूछा था किसी से जाकर के कि लादेन आतंकवादी है कि नहीं है? वकील उपलब्ध कराया था क्या? 17,000 किलोमीटर चला अमेरिका, पाकिस्तान की फोर्स की नाक के नीचे से खींच के लादेन को बाहर निकाला और उसी की धरती पर डेड शूट कर दिया उसने। उसका नाम होता है अमेरिका। एक हम हैं गिड़गिड़ा रहे हैं उनके सामने। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कैप्टन अजय आहूजा की इस बिट्टी पर, काश वो 65 करोड़ रुपया हमने सेना के परिवारों पे खर्च किया होता तो आतंकवाद 2 दिन में खत्म होता इस हिंदुस्तान के अंदर से। हमने आतंकी पाले, जेलों में परसी बिरयानी, हर सैनिक की विधवा रोई, आंखों में आया पानी, 20 खून करके भी वो सब क्षमा दान पा जाते हैं और शहीदों की कुर्बानी पर मातम छा जाते हैं। उठो नया कानून मांग लो संसद की दीवारों से। मैं कसम देता हूं केवल वो ताली बजाएंगे अब जो मेरी इस बात से सहमत हो। नहीं सहमत हो आप खामोश रहिएगा। मैं भी 14 दिन इंग्लैंड में था, मैंने वहां भी लोगों से कहा पूरे वर्ल्ड में यदि विनीत चौहान इस कानून को गाने वाला अकेला भी बच गया तो मैं अकेला गाऊंगा। लेकिन अच्छा लगे मैं अंतिम 2 लाइन पढ़कर आपसे विदा होना चाहता हूं। एक एक श्रोता मुझे बता देगा हिंदुस्तान में आतंकवाद का यही इलाज करना पड़ेगा, दूसरा कोई इलाज अब इस मुल्क में बचा नहीं है। कि उठो नया कानून मांग लो संसद की दीवारों से, हत्यारों को क्षमादान अब नहीं मिले दरबारों से, कोटा तैयार हो जाए।
वो संसद उठो, नया कानून मांग लो, संसद की दीवारों से हत्यारों को क्षमादान अब नहीं मिले, दरबारों से इनको सीधा फांसी टांके, वीर शहीदों की माएं या सीने पर गोली मारे बस सैनिक की विधवाएं, उठो नया कानून। ये पुरुष शक्ति का स्वर है। पुरुष ने इतनी ताकत लगाई कि सीमा पे जाकर कहने के लिए कहा कि हिंदुस्तान हमारा है। इसी काम को नारी शक्ति अगर कहती है तो घर में बर्तन मांजने वाली पाकिस्तान निपटा देती है। ये डॉक्टर अनु सपन बैठी है, इनके यहाँ बर्तन मांजने वाली आई, जिस दिन तनाव चल रहा था तो इन्होंने कहा कि इस नवाज शरीफ के कीड़े पड़ेंगे, तो अनु सपन की बर्तन मांजने वाली ने बोला कि मैडम पहले कीड़े से तो पूछ लो वो पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे। जिस बात को पुरुष तनाव में लेता है उसको महिलाएं हंसते हंसते निपटा देती हैं। हिंदुस्तान में ये तेवर केवल महिलाओं के पास है। अभी ये जो आत्माएं खड़ी हुई हैं ये वीर रस के प्रताप के कारण है। बस ये वीर गति को प्राप्त नहीं हो जाए इसका डर बनाए रखना है। हमारे विनीत भैया ने पुलिस वालों की इतनी तारीफ करी कि वो उत्साह में पूरी सीमाएं लांघ कर हम तक पहुंच गए। मैं आपका आभारी हूं, बस इतनी दूरी बनाए रखिएगा, हम सब जिंदा अपने घर वापस जाना चाहते हैं। विनीत भैया के साथ आप अलवर तक जा सकते हो। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, आप बिल्कुल लठ लेके ऐसे तैनात हो गए हैं क्योंकि मेरे अनुभव कड़वे हैं। संचालक को क्या मालूम क्या क्या भोगना पड़ता है। एक जगह मैंने कविता सुनाई तो एक आदमी लठ लेके आ गया, मैंने कहा बैठ जाऊँ क्या, बोले नहीं नहीं आप तो हमारे शहर में मेहमान हो, हम तो उस नालायक को ढूंढ रहे हैं जिसने तुमको बुलवाया है। तो मैंने कहा भैया आज तो आनंद पाटनी जी के मेहमान हैं, वही इसके संयोजक हैं कवि सम्मेलन के, और अभी तो पेमेंट भी नहीं मिला है, इसलिए जब तक नहीं मिले तब तक दूरी बनाए रखना। बाकी तो फिर सत्यन जी अपनी लाल बत्ती में हमको ले जाएंगे। आइए, मैं विनीत भाई का आभारी हूँ कि उन्होंने इस कवि सम्मेलन को जिस तरह से खड़ा किया है, और श्रद्धेय पवार जी ने जब उन्हें माला पहनाई, इस एक संयोग वीर रस के इस तेवर को जरा एक बार तालियां बजाकर हस्ताक्षर करिए कि आपने विनीत भाई को स्वीकार किया उन्हीं तेवरों के साथ। विनीत भाई का नई जैकेट पहनना आज वसूल हो गया, मुझे सुबह से चिढ़ा रहे थे, देख मैं नहीं पहन रहा हूँ, अगर जम गया तो आज तुझे देख के जाऊँगा, तो कम से कम मेरी एक जैकेट पक्की हो गई। आइए, मैं आदरणीय डॉक्टर अनु सपन को बुला। देखो मैंने कहा ना सरदार जी को छेड़ रहे, बताओ ये क्या कम ताकत की बात है कि पत्नी को लेकर कविता सुन रहा है सरदार। तुम में से है कोई मर्द जो अपनी पत्नी के साथ सुन रहा है? सब घर छोड़ के आए हो शेरनी को और यहाँ ताली बजा रहे हो। अगरेला मर्द सरदार है जो यहाँ परजाई के साथ कविता सुन रहा है। और आदमी बाहर कितने ही बड़ा विवेकानंद बने, उसकी ओरिजिनल औकात तब पता पड़ती है जब वो घर में घुसता है। मैं चार पंक्ति आपको सुना रहा हूं, अब मुझे वैसी तालियां चाहिए अगर आप राष्ट्रभक्त हो तो, क्योंकि जो विनीत भैया ने राष्ट्रभक्ति बताई है उससे बड़ी बता रहा हूं मैं, और अगर बड़ी हो तो फिर मैं जरा पत्नी पीड़ितों की तालियां देखना चाहता हूं। और मैं विनीत भैया को बताना चाहता हूं कि विनीत भैया तनाव पाकिस्तान नहीं है, तनाव पाकिस्तान की जो राशि से मिलती हुई पत्नी है, दोनों की राशि एक है। कि पति बोला पत्नी से प्राण प्यारी समझाता जिंदगी को मेरी तूने बंटा ढार किया है। और कुमारो तुम जरा ढंग से बजाना, अभी तो कोचिंग में ही पढ़ रहे हो। ये भुक्त भोगी बेटे इनको इनसे पूछना जरा कितने जवाब देना पड़ते हैं घर जाने के बाद। और आनंद आ जाए तो जरा इस वातावरण को परिवर्तित करना, मैं एक महत्वपूर्ण कवित्री आपके हाथों में सौंपना चाहता हूं। कि पति बोला पत्नी से, अच्छा हाँ अच्छा, तुम वही समर्जी वाले हो अभी तक हैं, यहीं खड़े होके उस समय भी चिल्ला रहे थे। पाटनी जी आपने इनको प्रवेश क्यों नहीं दिया, ये हर साल यहीं से व्यवधान पैदा करते हैं, पाकिस्तान बाद में निपटेगा कवि सम्मेलन पहले निपट जाएगा। कि पति बोला पत्नी से प्राण प्यारी समझाता जिंदगी को मेरी तूने बंटा ढार किया है, मैं तो रस रंग की बहार समझाता गोरी जिंदगी को मेरी तूने पतझार किया है। तो सरदार जी पत्नी बोली कि ताव खा के बोली मेरी तनवी ना छेड़ छेड़। अब जरा चंबल बताए समझ जाए तो,
कि ताव खा के बोली मेरी तनवी न छेड़ छेड़, झनकार को ही तूने तार तार किया है। घर में जो तीन पांडुलिपि दंद पेल रही, उनको क्या विश्व बैंक से उधार लिया है। अब बताओ इससे बड़ी कोई राष्ट्रभक्ति है? अपन कितने लंबे ऊंचे बारे हाथ पकड़ो, अगर पत्नी एक पंचर कर दे नहीं तो आदमी की जिंदगी भर तक हवा नहीं भरा सकते। इसलिए अब इसको थोड़ा रस दृश्य तेवर तीनों परिवर्तित करते हैं। अंगार के बाद अगर कोई तेवर जिया जा सकता है सृष्टि के अंदर, तो श्रद्धेय सत्यन जी सरी के बड़े आचार्यों ने समझाया, हरिओम पवार सरी के बड़े कवियों ने हमें सिखाया कि श्रृंगार के बाद, अंगार के बाद अगर किसी तेवर को दिया जा सकता है तो वो श्रृंगार का तेवर होता है, क्योंकि श्रृंगार प्रेम की अभिव्यक्ति होता है और प्रेम इस दुनिया के अंदर एक शाश्वत स्वभाव है। आइए यहाँ पर कितने लोग इस समय प्रेम को जीना जानते हैं, जीना चाहते हैं, जरा एक बार तालियां बजाकर डॉक्टर अनु सपन की अगवानी करें। और मैं पूरे कोटा की तरफ से आपकी डाक डॉक्टर अनु सपन के दरवाजे पर रखना चाहता हूँ एक डाकिये के रूप में। मैं केवल पोस्टमैन हूँ, चिट्ठी तुम्हारी है और उस पर हस्ताक्षर भी आपको करना है। कहाँ जा रहे हो? चलो माइक वाले के तो लॉटरी खुल गई, मैडम बोली तो सही कम से कम। हम रात भर से तारीफ कर रहे, हमसे नहीं बोली, बताओ वहां जाके बोली, ये बात तो मैं ही बोल देता उनको। अब मैं आपकी तरफ से अनु सपन से केवल एक लाइन कह रहा हूँ, तालियां आपको बजानी है, कि जुल्फें संवारने से बनेगी ना कोई बात। अच्छा तुम क्या कंघा लेके बैठे हो क्या? अगली पंक्ति पहुंच जाए तो जरा अनु सपन की अगवानी करना, उनका मूड थोड़ा अपसेट है, जरा मूड बनाना। आपने अच्छे अच्छे के मूड बनाए हैं, कईयों के तो ऐसे बनाए हैं जो आज तक लौट के ही नहीं आए कोर्ट। कि जुल्फे जुल्फे सवारने से बनेगी ना कोई बात, उठिए किसी इंसान की किस्मत सवारी है।